गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की। तो प्यारे बच्चों, आज की जो प्यारा सा टॉपिक है वो दर्पण है, दर्पण के प्रकार है और प्रतिबिंब है। यानी आज की क्लास में हम लोग तीन टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं। आखिर दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, कौन कहां से दर्पण के प्रकार से किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब पढ़ना है। ठीक, तो आज की क्लास एकदम मजे और जबरदस्त रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। शुरुआत दर्पण से करते हैं कि आखिर मिरर होता क्या है, दर्पण होता क्या है, बात करते हैं। तो प्यारी सी एकदम सबसे पहले हमको बना लेना है भैया हेडिंग का दर्पण। क्या बना लेते हैं? दर्पण। दर्पण को हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं मिरर या मिरर, जो भी कहना चाहो प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो भाई मिरर कह लो चाहे मिरर कह लो, सब कुछ एक ही होता है ना। अब दर्पण होता क्या जानते हो? दर्पण क्या होता है सोचिए। पारदर्शी माध्यम हमने पढ़ा था, अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है भाई? पारदर्शी माध्यम क्या होता है वो चीज क्लियर हो जाए। तो पारदर्शी माध्यम को समझने के लिए हमारे पास पहले प्रकाशिक माध्यम समझना होगा। प्रकाशिक माध्यम समझने के बाद ही हम दर्पण पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ी बहुत हम लोग रफली के रूप में अगर इधर चर्चा करना चाहें तो चर्चा कर सकते हैं यार कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है देखना, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है जानते हो? प्रकाश चलने के लिए, क्या प्यार बच्चों, प्रकाश चलने के लिए जिस रास्ता को अपनाता है, जिस पथ को अपनाता है, वही पथ, वही रास्ता, वही मार्ग ही प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब बोलोगे सर जैसे प्रकाश जल में गया तो क्या जल प्रकाशिक माध्यम है? बिल्कुल, जल एक प्रकाशिक माध्यम हो गया। प्रकाश हवा से गुजर रहा, हवा एक प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। प्रकाश केरोसिन से गुजर रहा तो केरोसिन एक माध्यम हो जाएगा। या मतलब प्रकाश आपका चाहे जिस रास्ते से होकर जाए, वो चलने के लिए जिस पथ को अपना ले, जिस पथ से गुजर जाए, वही पथ वही रास्ता ही क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। बोलो प्रकाशिक माध्यम आपको क्लियर हो रहा है? तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश चलने के लिए अपनाता है, या प्रकाश चलने के लिए जिस पथ को अपनाता है वही पथ क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो भाई साहब इसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। क्या लिख लेंगे भैया? प्रकाशिक माध्यम के डेफिनेशन हमने क्या लिखने वाले? प्रकाश क्या? प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश चलने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए ना, प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश चलने के लिए जिस रास्ते को अपनाता है या जिस पथ को अपनाता है, जो भी लिखना चाहो, जिस पथ को अपनाता है क्या करता है प्यारे बच्चों? जिस पथ को अपनाता है, जिस पथ को अपनाता है वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक, प्रकाश चलने के लिए जिस पथ को, जिस रास्ते को अपना ले, वही चीज प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। ठीक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। बात करते हैं यार, हमको तो बात यहाँ केवल बात करते हैं, केवल केवल हिंदी मीडियम की बात हम लोग करने वाले। तो यार पारदर्शी माध्यम, पारभाषी माध्यम और अपारदर्शी क्या होता है? तो वो इन्हीं के प्रकार है। जो प्रकाशिक माध्यम है ना, वो प्रकाशिक माध्यम के ब्रांच ही है मिला जुला के। तो भैया या प्रकार कह लिया जाए तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम भैया? पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। और जो दूसरा होता है वो होता है अपारदर्शी। क्या होता है प्यारे बच्चों? अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम हो गया, अपारदर्शी माध्यम हो गया ना, ध्यान से समझना मेरे यार, अपारदर्शी माध्यम हो गया। और एक को तीसरा वाला होता है पारभाषक। क्या प्यारे बच्चों? पारभाषक माध्यम, ध्यान से समझना। यहां कौन सा? पारभाषक माध्यम। एकदम, एक को पारदर्शी माध्यम, एक को अपारदर्शी, एक को पारभाषक माध्यम। बात करें पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं यार पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश जिसे आर पार कर जाए। प्रकाश जिसे आर पार कर जाए मतलब प्रकाश उसमें से पार होके निकल जाए। मैंने कहा कि क्या देखना प्यारे बच्चों,
ये आपके घर के बगल में एक बनी हुई ईंट की दीवार थी। घर पर या बगल में पड़ोसी के यहाँ ईंट की बनी हुई क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? दीवार था। क्या था? दीवार था। अब आप बताओ, क्या किसी भी टार्च से या किसी भी स्रोत से, किसी भी स्रोत या टार्च से जो निकलने वाली प्रकाश है, बताओ एक बार मेरे प्यारे बच्चों, ये जम के समझ लो तो कभी सर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टार्च है, इस टार्च से जब प्रकाश निकलेगी तो क्या ये प्रकाश इस दीवार को पार कर पाएगा? क्या ये प्रकाश इस दीवार को पार कर पाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, प्रकाश दीवार को पार करने वाला नहीं है। तो क्या ये जो दीवार है, जो ये दीवार आपने बनाया है चीन की लंबी दीवार, आप ये मुझे बताओ क्या इस दीवार को प्रकाश पार करने वाला है? नहीं ना। तो ये दीवार आपका प्रकाशिक माध्यम है, पर कौन सा माध्यम है प्यारे बच्चों? पारदर्शी ना होकर आपका ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। अब यही आप इमेजिन कर लो कि बीच में यहां वायु रहा होगा, देखना जरा सा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीच में वायु रहा होगा। बीच में क्या है? वायु है। ध्यान से देखना, ये बीच में क्या है? वायु। तो आप मुझे ये बताओ, क्या प्रकाश वायु को पार नहीं कर पा रहा? कर ले रहा है। प्रकाश वायु को पार कर लेता है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश जब वायु को पार कर लेता है तो बताओ वायु कौन सा माध्यम हो गया? पारदर्शी माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया? ये एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वायु हो गया, कांच हो गए, ये सब कौन से माध्यम कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते। कौन से माध्यम कहलाते भाई? पारदर्शी माध्यम। तो एक बार प्यारे बच्चों फिर से बोल दो, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? कि जिन्हें प्रकाश पार कर जाए वो पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिन्हें प्रकाश पार न कर पाए। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने दीवार है, जरूरी नहीं वो चीन की ही दीवार हो प्यारे बच्चों, दीवार हो गया, फिर उसके बाद लकड़ी हो गई, मेज हो गए, ये सब सारी चीजें क्या होती? दर्पण हो गया ना, ये सारी चीजें अपारदर्शी माध्यम में आती हैं, इनको प्रकाश पार कर ही नहीं पाता प्रकाश। क्या आपने देखा कि आपके दीवारों, आपके घर की जो बनी हुई दीवारें हैं, उस दीवार को प्रकाश पार करके उस पार दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता प्यारे बच्चों। तो यार ये कौन सा माध्यम हो जाता है? अपारदर्शी माध्यम हो जाता है। बात कर लेते हैं पारभाषक माध्यम क्या होता है। पारभाषक माध्यम, अब पारभाषक माध्यम क्या होता है ध्यान से देखना, एक ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश को, प्रकाश का कुछ भाग तो पार कर जाए पर कुछ भाग पार नहीं करने पाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा माध्यम हो सकता है भाई? एग्जाम्पल तो लिखने के लिए लिखा जा सकता है यार, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। क्या लिख सकते हो भैया? घिसा हुआ कांच लिख सकते हो। फिर उसके बाद गंदा पानी या मटमैला पानी, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मटमैला पानी, तेल से भिगा हुआ कागज, सब तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। आप देखोगे ना तो प्रकाश का कुछ भाग उन्हें पार कर जाएगा, कुछ भाग पार उन्हें नहीं कर पाएगा। आप देखो कभी मटमैले पानी में आप अपने चेहरे को झांक के देखते होंगे, कभी उसकी छाया आपको दिखाई पड़ती, कभी उसकी छाया उसमें नहीं दिखाई पड़ती। तो प्यारे बच्चों ये सब सारे पारभाषक माध्यम के एग्जाम्पल है। हमने शुरुआत इसलिए किया था क्योंकि हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ जानते रहोगे तभी तो ना। तो एक बार प्यारे बच्चों एक बार बोलो यार, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश चलने के लिए जिस रास्ते को अपनाता है वो रास्ता प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। भाई कितने प्रकार के होते? तीन, एक को पारदर्शी, एक को अपारदर्शी, एक को पारभाषक। पारदर्शी का हो भैया बताओ, जेके प्रकाश आर पार कही जाए, जिसको प्रकाश आर पार कर जाए, मतलब जिसे प्रकाश आसानी से गुजर जाए वो पारदर्शी है ना भैया। एग्जाम्पल में वायु कांच हो गया। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है भैया? जिनको प्रकाश पार न कर पाए, दीवार, दर्पण, रबड़, पेंसिल, मिट्टा, जो भी तमाम चीज़ें आपको मिल जाए वो सारी चीज़ें आपके अपारदर्शी माध्यम होती। देखना जिसको प्रकाश पार न कर पाए यार। अच्छा हम लोग कौन से माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम हम लोगों को प्रकाश पार नहीं कर पाता। अच्छा पारभाषक माध्यम क्या हो सकता है भाई? पारभाषक माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाए, कुछ भाग पार न होने पाए, उन्हें हम अपारभाषक, सॉरी पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, मटमैला पानी, तमाम चीज़ें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। चलो भैया तो अब हम आते हैं दर्पण की तरफ, अब हम आते हैं दर्पण की तरफ। इनको मिटा दिया जाए या तो प्यारे बच्चों इनको ना मिटा के हम लोग अब बात करते हैं आखिर दर्पण क्या होता है। अब हम बात करते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण जो भी होगा वो प्यारे बच्चों वो पारदर्शी माध्यम होगा। कोई भी एक पारदर्शी माध्यम ले लीजिए, कोई भी एक पारदर्शी माध्यम लीजिए,
और जिसके एक पृष्ठ को हम क्या कर दे, पॉलिश कर दे, एक पृष्ठ को कलई कर दे। यार एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी एक चिकना पारदर्शी माध्यम ले लीजिए, या कांच का बना हुआ या एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके एक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जिस दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाता, परावर्तक, वो चीज क्या कहलाता है, दर्पण। तो ध्यान से प्यारा सा, कांच एक क्या है, पारदर्शी माध्यम है, तो हम कांच को उठा लेते हैं। देखना अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कांच लेते हैं, क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एक कांच लेते हैं, ध्यान से देखना, एक कांच लेते हैं, और ये हमने कहा कि ये हम लोग जिस कांच के सामने अपने सुंदर से मुखड़े को आप लोग देखते हो प्यारे बच्चों, वही है कांच, ठीक। अब ये भाई साहब, आपने इनका नाम पहले से क्लियर कर दिया कि भैया ये कांच है, ये क्या है, कांच है, जिसे आप ग्लास भी लिख सकते हो। अच्छा बात करते हैं भाई, कांच है तो ठीक है। अब कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, प्रकाश जब इस पर पड़ेगा ना, तो प्रकाश इसे पार कर जाएगा, सारे के सारे प्रकाश उस पार निकल आएंगे, ठीक। अब कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, ये दर्पण कब होगा, जब हम इसके एक पृष्ठ को क्या कर दे, कलई कर दे, किसी भी एक पृष्ठ को क्या कर दे, पेंट कर दे, किसी भी एक पृष्ठ को पेंट कर दे, या किसी भी एक पृष्ठ को कलई कर दे, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दूसरे पृष्ठ को चिकना बना दिया जाए, तो ये कांच आपका क्या कहलाने लगेगा, दर्पण कहलाने लगेगा। अब प्यारे बच्चों देखना, जब आपने इस कांच को जब आपने इसको पेंट नहीं किया था तो ये आपका कांच था, अब जैसे ही आपने इसको पेंट कर दिए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिए, दूसरे वाले पृष्ठ को परावर्तक बना दिए, परावर्तक का मतलब है प्यारे बच्चों कि इस पे प्रकाश पड़े तो ये प्रकाश को वापस लौटा सके, तो जब दूसरे वाले पृष्ठ को आपने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, कौन सा पृष्ठ बना दिया, परावर्तक पृष्ठ बना दिए, और एक भाग को कलई कर दिए, तो वो आपका क्या कहलाने लगा, दर्पण कहलाने लगा। तो बताओ प्यारे बच्चों डिफिनीशन क्या बनेगा, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, क्या किया गया हो, पॉलिश या कलई किया गया हो। क्वेश्चन उठ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहां से बन सकता है यार कि बताओ पॉलिश किससे किया जाएगा, पॉलिश किस पदार्थ से किया जाएगा, किस प्रकार का पेंट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी लाल कलर या हरा कलर का पेंट होता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के लेप को लगाया जाता है, समझ रहे हो। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो जिस प्रकार कलई किया गया उसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड, क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, किसका लेप लगाया जाता है, फेरस ऑक्साइड का। तो एक बार बताओ दर्पण की डिफिनीशन क्या होने वाली है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पहले सोचो कांच हमने लिया था, इमेजिन करो कि हमने कांच लिया था, तो कांच एक पारदर्शी माध्यम था, तो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। भाई किससे पॉलिश कर रहे हो, फेरस ऑक्साइड से, तो जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर दे, दूसरे पृष्ठ को क्या बना दे, परावर्तक बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। बोलो बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, डिफिनीशन समझ में आ गए हो, डिफिनीशन समझ में आ गए होगे, तो एक बार फट से दो ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर करो यार। चलो बात करते हैं दर्पण क्या होता है, एक बार फिर से प्यारा सा डिफिनीशन बनाने वाले हैं, क्या बनने वाला भाई, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ को क्या कर दे, पेंट कर दे, और दूसरे वाले को क्या बना दे, परावर्तक, परावर्तक का मतलब कि वो प्रकाश को लौटा सके। तो ऐसे चीज को हम क्या करने वाले हैं, दर्पण करने वाले। तो क्या बताओ डिफिनीशन लिख लिए जाए इन सारी चीजों को रच करके, चलो तो बताओ दर्पण की परिभाषा क्या बनने वाली भाई। अब बताओ दर्पण की परिभाषा मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, एक ऐसा, यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम, यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, कौन सा माध्यम होता है प्यारे बच्चों, पारदर्शी, यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके, जिसका एक पृष्ठ, जिसका एक पृष्ठ पॉलिश हो, जिसका एक पृष्ठ पॉलिश कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तथा तथा दूसरा पृष्ठ, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, परावर्तक
बना दिया जाता है, ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। बोलो यहां से दर्पण की परिभाषा क्लियर हो गई। कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ पॉलिश हो, दूसरा परावर्तक हो, भाई उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब हम बात करेंगे दर्पण के प्रकार की, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दर्पण के प्रकार का। अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे दर्पण के प्रकार, क्योंकि हमारी जो अगली टॉपिक थी वो दर्पण के प्रकार ही थी। तो प्यारे बच्चों हेडिंग क्या बनाएंगे? दर्पण के प्रकार। क्या बनाने वाले हैं? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार यानी हम बात कर लें टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर की ना। तो भाई दर्पण के प्रकार हेडिंग बन गई। अब समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं या दर्पण का प्रकार क्या होता है ना। तो बात किया जाए दर्पण के प्रकार, तो जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक क्या होता है? गोली दर्पण होता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक क्या होता है? गोली दर्पण। भाई साहब तो ये पहले इतना तो प्रोग्राम कर दो इनको कि दर्पण जो होते हैं उनको बता दो कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। दर्पण के प्रकार हो गए दो, एक को पहला होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है यार? समतल दर्पण। भाई बोलो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और जो ये दूसरा वाला होता है, ये जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब गोली दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं और इसे प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक भैया, ये समतल दर्पण है, ये गोली दर्पण है। अब आप बताइएगा समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है, ये हम उनको समझते हैं यार। तो बात अगर किया जाए समतल दर्पण की क्या होती है भाई, समतल दर्पण क्या होता है, तो देखना आपने कभी ऐसा देखा कि कुछ ऐसे भी दर्पण आपको दिखाई पड़ते होंगे जिसके सामने का पृष्ठ गोला होता है, जिसमें आप अपने मुख को देखते रहते हो, जिसमें आप अपने मुख को देखते रहते हो, वो चीज क्या होता है? समतल। वो चीज आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपका चेहरा दिखाई पड़ता रहता है, जिसमें आप अपने फेस को देखते हो, वो गोला हो तो गोली दर्पण, अगर वो समतल है प्लेन जैसा है तो वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो आपने देखा होगा यार कि बुलेट्स देखा होगा, बुलेट्स में जो मिरर लगे रहते हैं, बुलेट देखा नहीं? काफी लोगों ने चलाया भी होगा, जितने लोग देख रहे होंगे ना। तो क्या होता है बुलेट को आपने देखा होगा जो साइड के रूप में लगा रहता है पीछे की चीजों को देखने के लिए ना, उसको देखो उसके आगे का जो पृष्ठ होता है, आगे के पृष्ठ को परावर्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से प्रकाश टकराता है वापस लौट आता है। तो भैया अगर परावर्तक पृष्ठ हमारा गोला है तो गोली दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है तो समतल दर्पण कहलाएगा। बस इतना समझ लेना, कुछ भी नहीं है ना। तो भैया क्या डिफिनीशन बना लोगे? बनाओ एक बार यार, एक बार बना दो भैया डिफिनीशन। तो क्या बन जाएगा समतल दर्पण? कि यदि यदि परावर्तक पृष्ठ, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या हो प्यारे बच्चों? यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो हो तब तो या तब दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तब जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब हम अगर बात करें गोली दर्पण का, तो भाई गोली दर्पण क्या होता है? कि यदि यदि परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बोलो बच्चों? यदि परावर्तक पृष्ठ गोली हो, क्या हो? गोलनुमा हो। यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, तो हो तब दर्पण क्या कहलाने वाला है? गोली दर्पण। तब दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा।
कौन सा दर्पण कहलाएगा भाई? गोली दर्पण। हमने कहा कि अगर परावर्तक पृष्ठ गोल है तो गोली दर्पण, अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण। अब यहां से जो गोली दर्पण है वो भी दो भागों में बट गया, जो गोली दर्पण है वो भी दो भागों में बट गए भैया, एक को अवतल हो गए, एक क्या हो गए? उत्तल हो गए। समझिएगा, अब गोली दर्पण भी दो भागों में बटने वाले हैं, आइए हम उनको समझते हैं। पर उनके समझने से पहले इनकी कुछ खास बातें कर लेते हैं यार, कुछ खास बातें भाई साहब। इनकी जो आवर्धन क्षमता होती है, अब आवर्धन क्षमता क्या होता है वो मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा। आवर्धन क्षमता जो होती है इनकी एक होती है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? एक। इसका मतलब है कि आप इनके सामने जितनी भी बड़ी वस्तु रखोगे, जितनी भी बड़ी वस्तु रखोगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूर पे रखोगे उतनी दूर पे बनेगा, जितना पास रखोगे उतना पास बनेगा। समतल दर्पण की खास बातें यही होती है प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण के सामने अगर हम 10 मीटर दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब 10 मीटर दूर बनेगा, अगर हम 5 मीटर नजदीक पे हैं तो 5 मीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा, अगर हम 4 सेंटीमीटर का वस्तु रखे हैं तो 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, 8 सेंटीमीटर का वस्तु रखे हैं तो 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, जिसके कारण इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती? एक होती है। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप समझते रहिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि यदि किसी दर्पण में, यदि किसी दर्पण के सामने 10 मीटर सामने रखी कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप बोलना है उसका प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो भैया ये होती है। उसके बाद कभी कभी यार पूछता है, जानते हो क्या पूछता है कि बताओ समतल दर्पण की फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी क्या होती है, समतल समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। कई बार ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अनंत। क्या होती है? अनंत होता है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ऑप्शनल के रूप में कि बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। जब हम लोग इसके प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको वहां मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। इस बात को आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा ना। अच्छा, मैंने कहा था कि आइए कुछ बातें जान लेते फिर आएंगे गोली दर्पण के बारे में। भैया गोली दर्पण पढ़ लिए। अब गोली दर्पण आपके होते हैं दो प्रकार के। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब कौन कौन से दर्पण होते हैं भैया ये बोलो। गोली दर्पण के दो भाग हो गए, गोली दर्पण के दो भाग हो गए। अब वो दो भाग क्या हो गए? वो एक भाग का नाम हो गया उत्तल दर्पण। भैया कौन से दर्पण? एक बार बोलो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। और एक का नाम हो गया अवतल दर्पण। एक बार देख लेना, गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो। एक का नाम उत्तल दर्पण, एक का नाम अवतल दर्पण। एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। एक को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे भाई? कॉन्वेक्स मिरर। और इसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कॉनकेव मिरर कहेंगे। एक को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। भैया एक का नाम उत्तल दर्पण, एक का नाम अवतल दर्पण। तो ये बातें क्लियर हो गई कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अर्थात दो प्रकार का होता है। अब आखिर क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण, उसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलने वाले हैं। तो चलिए तैयार होते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने के लिए। आइए अब हम बात करेंगे एक तरफ उत्तल दर्पण की, एक तरफ अवतल दर्पण की। ठीक, देखिए यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, या उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है, या अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है, या उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं, या आप अवतल दर्पण से क्या समझते हैं। तो आपके एग्जाम में सेम पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यार चलो फिर से समझते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ उत्तल को समझ लेते हैं और एक तरफ क्या समझते हैं? अवतल को। तो केवल एकदम देखना लाइन थोड़ी सी, प्रयास करना कि भाई सीधी हो ना। चलो एक तरफ बना लेते हैं उत्तल, एक तरफ का बना लेते हैं अवतल। एक तरफ हम बनाने वाले हैं उत्तल,
यानी एक तरफ केवल केवल उत्तल दर्पण की चर्चा होगी, किसकी चर्चा होगी उत्तल दर्पण की, और एक तरफ किसकी चर्चा होगी अवतल दर्पण की, किसकी चर्चा होगी भैया अवतल दर्पण की, किसकी चर्चा होगी अवतल दर्पण, बोलो। एक तरफ उत्तल बन गए, एक तरफ क्या बन गए भैया अवतल बन गए। आ जाओ समझते हैं जरा सा इनके ऊपर बात करने वाले। अब भैया उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं, देखना इसका एक वर्ड केवल काट लो यार, बस केवल एक वर्ड ऊ, उत्तल का जो ऊ है केवल वही सेंटेंस निकाल लो बस एकदम। देखो ना आपको बहुत प्यारी सी डिफिनीशन मिल जाएगी, इसका जो ऊ है यही ऊ काट कर निकाल लो। ऊ का मतलब होता है उभरा, ऊ का मतलब होता है उभरा, जिसे गांव में कहते हैं कुबड़ निकलना ना। और यही जो आ होता है, आ का मतलब होता है अंदर, आ का मतलब होता है अंदर या धसा, इसे हम धसा भी कहेंगे या अंदर कहेंगे, क्या कहेंगे अंदर, अ का मतलब अंदर और अंदर का मतलब होता है धसा ना। समझने के लिए हमने केवल इनके एक एक वर्ड को काट लिया, उसके बाद अब देखो कितना प्यारा सा डेफिनेशन बनता है। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो उभरा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो उभरा हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखना सारी डिफिनीशन आपके परावर्तक पृष्ठ को ही लेके बनाया गया, यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो समतल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो गोली दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हो तो उत्तल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ धसा हो अर्थात अंदर की तरफ हो तो अवतल दर्पण। यार एकदम केवल डिफिनीशन सोच समझ के बनाना है, बोलो भैया भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उत्तल दर्पण भैया सर ने बता के रखा कि यदि परावर्तक पृष्ठ ऊपर उभरा, ऊपर उत्तल और उसे उभरा हो गए, तो भैया अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, कुबड़ बाहर की तरफ निकला है, तो उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे उत्तल दर्पण। देखना अभी एक डिफिनीशन और हम लोग तैयार करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक खो प्यारा सा दर्पण बनाते हैं पहले, ठीक ना। अब क्या करते हैं भाई साहब, इनको अगर हम क्या करते हैं अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं, इस बार जो पेंट होने वाले हैं ना अंदर से होने वाले, तो इसको हम लोग अंदर से क्या कर दिए पेंट कर दिए, कहाँ से पेंट कर दिए भैया अंदर की तरफ पेंट कर दिए, अंदर से क्या कर दिए पॉलिश कर दिए। तो ये जो दर्पण बना, इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण नाम होगा। देखना हम इसको ऐसे भी कर सकते थे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि हम लोगों का जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनना चाहिए था, देखना बन गए भाई साहब। हमने क्या कहा कि यदि किसी भी दर्पण को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए, यदि किसी भी दर्पण को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए, अंदर से पेंट कर दिया जाए, यदि किसी भी दर्पण को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो वो कौन सा दर्पण बनता है, वो कौन सा दर्पण बनता है उत्तल दर्पण। देखना इसके दो पृष्ठ थे, एक पृष्ठ ये है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है प्यारे बच्चों एक बार देख लेना, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है क्या है, इसका देखना ये वाला भाग जो सामने वाला भाग है, ये देखना ये जो सामने वाला भाग है, वो सामने वाला भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। तो मैंने बात की थी कि परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, पहले ही बोल के रखा हूं कि भैया परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, आप देखिए ऐसे कुछ है, ऐसे करके देखो, तो ये जो पृष्ठ है यही पृष्ठ परावर्तक कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये वाला पृष्ठ उभरा है ना, कुबड़ निकला है कि नहीं बाहर की तरफ, किधर की तरफ कुबड़ निकला है भाई बाहर की तरफ, किधर की तरफ कुबड़ निकला है बाहर की तरफ। तो यदि दर्पण बाहर से उभरा हो और अंदर की तरफ क्या किया गया हो पेंट किया गया हो, किधर की तरफ पेंट किया गया हो अंदर की तरफ, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा नाम देते हैं भैया उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। तो डिफिनीशन लिखना चाहे तो हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखने वाले हैं डिफिनीशन बोलो यार एक बार, क्या लिखोगे भैया, यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो या उभरा हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो उभरा हो तथा अंदर से पॉलिश किया गया हो, तथा अंदर से पॉलिश किया गया हो, कहाँ से पॉलिश किया गया हो अंदर से, तथा अंदर से
पॉलिश किया गया हो, क्या किया गया हो प्यारे बच्चों, अंदर से पॉलिश किया गया हो, अंदर से पॉलिश किया गया हो तो ऐसे दर्पण को तो हो तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण कहलाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? उत्तल दर्पण का यह चित्र हो गया। ध्यान देना कि पॉलिश अंदर की तरफ है। देखो ये पॉलिश आपने किया है, ये आपने क्या रखा है? पॉलिश किया है। तो भाई पॉलिश किधर से है? अंदर की तरफ है, तो पॉलिश अंदर से। गांव में आपने एक खूब कहावत सुना होगा, गांव में कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिन्होंने अपने घर को पलस्तर यानी पेंट डेंट जो है बाहर से करा के रखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर से पेंट नहीं कराते, पहले अंदर से पेंट करा लेते हैं। तो जो अंदर से पेंट हो बाहर से न पेंट हो वो उत्तल होगा, और जो बाहर से पेंट हो अंदर से न पेंट हो वो क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। तो समझिएगा, तो भैया हमने तो उत्तल तो समझ लिया कि अगर कुबड़ बाहर की तरफ है और अंदर से चिकना चुपड़ा दिख रहा है तो भैया वो कौन सा दर्पण हो जाता है? उत्तल दर्पण। अब बात करने वाले हैं यार अवतल दर्पण की। किसकी बात करने वाले हो भैया? अवतल दर्पण। किसकी बात करोगे? अवतल दर्पण। तो इसके लिए फिगर बनाए, तो इसके लिए फिगर हम लोग क्या बनाने वाले हैं? इनको देखना, ये कुछ ऐसे हो गए। यदि एक ऐसा दर्पण जो बाहर से पॉलिश किया गया हो, कहाँ से पॉलिश किया गया हो? बाहर से। कहाँ से पॉलिश किया गया हो? बाहर से पॉलिश किया गया हो, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ हो अंदर की तरफ हो। देखना ये बाहर से पॉलिश है और जो परावर्तक पृष्ठ है प्रकाश इधर से आपतित होने वाली, इधर से तो पड़ेगी नहीं, इधर से ही पड़ेगी। तो इधर से जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की तरफ ऐसे है। देखो ऐसे, देखना ऐसे। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, धसा हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं भैया? अवतल दर्पण का नाम देते हैं। कौन से दर्पण का नाम देते हैं? अवतल दर्पण। तो देखना यार यहाँ पर ये चीज परावर्तक पृष्ठ बता रहा है। तो परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा नाम देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और ये जो आपने किया, ये चीज का नाम है पॉलिश। ये चीज का क्या नाम है? पॉलिश। तो एक बार बोलो, बाहर से पॉलिश किया गया हो, अंदर परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का नाम देते हैं। एक ऐसा दर्पण जो बाहर से पॉलिश हो, अंदर से पॉलिश ना हो, या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण नाम देते हैं? अवतल दर्पण नाम देते हैं। तो चलिए इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ क्या, यदि परावर्तक पृष्ठ किधर की तरफ हो भाई? अंदर की तरफ हो। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, कहाँ हो? अंदर की तरफ हो, तथा अंदर की तरफ हो तथा बाहर से पॉलिश किया गया हो, कहाँ से पॉलिश किया गया हो? बाहर से। तथा बाहर से पॉलिश किया गया हो, क्या किया गया हो? बाहर से पॉलिश किया गया हो, बाहर से पॉलिश किया गया हो तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये हो गई अवतल दर्पण की कहानी, ये हो गई आपके उत्तल दर्पण की कहानी। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण के बारे में देखा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार दर्पण से जो आपके क्लास 10th में जितने रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी तक तो समाप्त हैं। अब हमने कहा था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्यारे बच्चों टाइम कम होने की वजह से आज की क्लास में हम लोग प्रतिबिंब की चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर नेक्स्ट क्लास में प्रतिबिंब की चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आज मैंने क्लास में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई है वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।